सुन्नत वो अखवाउंदी आ जिहड़ा तरीका चले सहाबा किराम भी करन ते बाद उम्मत भी करे जिहड़ा कदी कदाई हजूर ने किया तो उत्थे ही रह गया उहदा ओह किसे जरूरत दे तहत उस वे कोई लोड़ सी उहदी आम कोई नहीं। तो दुआवां दे बारे च कई बंदे आते जी फलाने दुआ जनाजे नहीं आँगी जिन्ना जनाजे खुड़ी छुट्टी हजूर ने तो साबा कराम ने दी नजे का जी चाया जिहड़ी मर्जी दुआ किसी शहर से इन्नी छुट्टी नहीं मिली असं आप अपने तंग किया और रटो आ रटो कोई रटन की लड़ कोई दुआ भी अगर तुम मुहब्बत न पढ़ रहे जो ठीक ही ठीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह दुआ किड्डी छोटी है ना ये है पिछों बंदे दुआई देने वाले से अगले जनाजे लिए कुछ रहन दो इदा का हाल किया गर्मी चो मरन दिया तू जिन दुआव ही नहीं मुका अल्लाह थका देंगा तू या अल्लाह तआला समझ नहीं आई एक अद्धी दुआ क्या बखेड़ बना लेंगे खा खा फैशन और ना ही याद रखो एडे वे आलम से आए हदीस मौलाना तआला नहीं फरहमत साफ उन्होंने लिखा कि मैं यार दुनिया जान की किताबा फोलियाँ उच्ची पढ़ी हजूर ने कोई दुआ या नहीं पढ़ी पिछों आमीन किसी ने किया एक कोई रिवायत नहीं लोग आमीन से गुजारा कर तुम लोगों को सुस्त कर दिता जे उन्हें दुआव कर असी पढ़ जाएंगे तुम पिछे आमीन ए आमीन है कितने किसे जिक्र आऊँगा बे जनाजे पिछे आमीन आमीन कहें क्यों जीन बदलते जी अपनी जरूरत केंद्र लोग नहीं आदि लोगों तो नमाजियां नहीं आदि तुम उन्होंने खातर उच्चा शुरू कर दो उन्होंने कहो याद करो जो करना और याद कर ली कोई नहीं जो जी दुआ किसी याद वै करे नमूने लिए पढ़ देना अल्लाह की बेशुमार रहमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी कैसी दुआ छोटी जी कोई बंदा कवे इस तो बाद कोई कसर रह गई अल्लाहुम्मा अब्दुका असलम वल आलो वल आलो अहलो वल अशीरा ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा तू मालिक है जो तेरी किस्मत का फैसला करना अजाब ने या बख्शे कौन दखल दे सके तू मालिक तेरा गुलाम है तो इस वे दे घर वालों ने बाल बच्चे ने कुनबे ने दा साथ छड़ तेरे हवाले करता हूँ उन्होंने कोई हिमायती दे नाल असलम वल आलो वल आलो वल अशीरा घर वाले कुनबा बरादरी सब तेरे हवाले उन्होंने कर तू जान दिते बस जम्बो अजी असं इकरारी हैं बेदे गुना बहुत है वन तल फुर रही तो तू बख्शन हार और मेहरबान ए एक सत्री इबारत कोई रह गई क्या जो फैसला तू करना क्या तू करनी हमायती कोई नहीं वकील कोई नहीं गुना बड़े है मगर तेरी बख्शिश रामत जी बहुत है ये नहीं मौलाना मिर्ज़ा ख़ान बरेलवी ने इस तरह कहना गुना है रिजा का हिसाब क्या वो अगर ते लाखों से हैं सेवा आंदे अल्लाह मेरा रिजा दे गुनाह का तू हिसाब की कि मैं आप मानना कि लखा तो ज्यादा गुना है रिजा का हिसाब क्या वो अगर ते लाखों से हैं सेवा मगर ऐ करीम तेरे अफब का हिसाब है ना संभार तेरी बख्शिश अदा माफी है उसका हद बनना मेरे गुनाह की तू हद आ जानी तेरी कोई नहीं ऐ हजरत सिद्दीक अकबर ने आख्या भाई गुनाह बड़े आ असी क्यों मुकरीए बेस इंसान को नहीं गलतियां हुई मगर तू बख्शनहार और मेहरबान यहोजियां दुआवां जड़ियां सिखाइया गई और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की एक छोटी जी वह भी मैं पढ़ दिया जे चला दे रसूल किधर गई किताब देखना जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अखीर कर दी छोटी जी दुआ बहुत प्यारी बहुत बेहतर अल्लाहुम अब्दुक वबन अमतिक मोहता एहता दायरा रहमतिक वानता गनी नजाद अल्लाह तेरा बंदा एदा एदी माँ भी तेरी लौंडी बंदी सी हूँ इस वे तेरी रहमत का मोहताज है एदे को चारा होर कोई नहीं तेरी रहमत का ही सारा वानता गनी नजाब है ते तेन इनू अजाब दे के कुछ नहीं लभना तेरा कोई काम नहीं थोड़ा बे अजाब ना देना तो तेरा पूरा नहीं तू इन अजाब देन तो गनी और बेनियाज है तेरी कोई हाजत नहीं अटकी कोई काम नहीं रुकया ए बेचारा रहमत का मुहताज है इन कान मोहसिनन फजिद सी एहसान ही जे ते नेकोकार सी ते तू एना वध के नेकी कर वैन कान मुसीअन फजा वजानो जे मुजरम सी ते दरगुजर फरमा एक सदर हजूर पाक ने पढ़ती मुहताज है तेरी रहमत का नेक है ते तू होर ज्यादा नेकी एना कर बुरा तो माफ़ कर इस तो दुआवां जड़ियां अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम ने कीतियां बिल्कुल ठीक है और जनाजे का सलाम आखिर ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह तुहाडे सामने पढ़िया कि हुक्म दे के आख्या सुम्मा युसल्लम सिरन फी नफ्सिही ना यन सिर्फ अं यमीनी जदों नमाज तो फिरे सिर्फ सज्जे पासे जरा मुँह करके एक सलाम आहिस्ता जा कह नमाज जनाजा से मोटी मोटी आ तकबीर की तादाद मुइन नहीं
ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਤਿਹਾ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਗੈਰ ਹਨਫੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਖੁਦ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਹਮਦ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜੋ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਮਬਦੋ ਕਾ ਬਬਨੋ ਅਮਦੇ ਕਾ ਬਬਨ ਅਮਾ ਸਿੱਖਾ ਕਾਨ ਯਸ਼ਦ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਅੰਤਾ ਵਹਦਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਇਨ ਫੈਨ ਕਾਨ ਮੁਹਸਿਨ ਫਜ਼ਿਦ ਫੀ ਇਹਸਾਨੇ ਵੈਨ ਕਾਨ ਮੁਸੀਅਨ ਫਜ਼ਾਓ ਸਨ। ਐ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਨੇਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰ, ਜੇ ਕਸੂਰ ਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਬਖਸ਼।